दिसंबर 2023 कैंसर लगने के लिए, कर्क लगने के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो दिसंबर और जनवरी में आपको बहुत बड़ा सम्मान मिलने का योग है, आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए 24 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। और ये चतुर्थ का शुक्र और गुरु से ग्रस्त, कुछ घर में आपके बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता है, एंजॉय फंक्शन एट होम। और अगर आपके, देखिए, ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर उम्र बड़ी है आपकी, तो अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर और जनवरी तक उनके साथ कंट्रोवर्सी हो सकती है। नवंबर दिसंबर और जनवरी केयरफुल रहिएगा, उनके साथ ज्यादा ज्यादा उनके साथ इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश ना करें। नवंबर दिसंबर और जनवरी बर्दाश्त करें उनको। इस महीने में आपको केयरफुल रहना है 13-14 हेल्थ वाइज, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा 13-14 को। 18-19 आपको थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, और 26-27 आपको डिसीजन पेंडिंग रखने, जो कंपलसरी डिसीजन है वो तो आपको देने पड़ेंगे, बाकी उसको छोड़ के जो डिसीजन पेंडिंग रखे जा सकते हैं उनको डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 22-23 बेस्ट है। और जिनके पास जॉब है एग्जिस्टिंग, बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं है, ज्यादातर आपका बॉस बहुत डोमिनेटिंग बॉस है, 22 और 23 तारीख को आपके शब्द की रखेंगे आप तो उसकी इज्जत की जाएगी। बिजनेस के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा है, कोई नया शुरुआत कर सकते हैं आप। स्टूडेंट के लिए 11, 12 और 20, 21 ये 4 दिन इस महीने में बहुत अच्छे हैं। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 12वीं से आगे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए 12 दिसंबर को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 9 और 24 बेस्ट है, प्रपोज करना चाहते हैं तो 9 एंड 24 विल बी द बेस्ट। विवाह के लिए देखिए, ये महीना दिसंबर और जनवरी बेस्ट है, दिसंबर और जनवरी विवाह के लिए बेस्ट है आपके लिए। शेयर मार्केट के लिए इस महीने में 24 और 25 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियली अगर आप देखते हैं तो इस महीने में 4-5 आपका बटुआ भरा रहेगा, और 31, ये 3 दिन फाइनेंशियली आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।